चलिए दोस्तों, आज हम आपको वैदिक मैथ्स के अंतर्गत कुछ संख्याओं का गुणा करना बहुत ही सरल तरीके से सिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि वैदिक मैथ्स में यह तो आप बहुत आसानी से जानते हैं, जो 100 के नजदीक है, ध्यान दीजिएगा, जो 100 के नजदीक है और दोनों ही संख्या 100 से छोटा है, तो इसको गुणा करना बहुत ही आसान है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कोई संख्या 100 से छोटा है और कोई संख्या 100 से बड़ा है, इसमें हम कौन से ट्रिक का प्रयोग करें, क्योंकि इस वाले ट्रिक को तो निश्चित रूप से आप लोग जानते हैं, लेकिन इस वाले ट्रिक में हम क्या करें, क्योंकि यहां पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें हम कौन से 60 ट्रिक का प्रयोग करें जिससे बहुत ही आसानी से हम गुना को बहुत ही सरल बना सके। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि गुना करने का सबसे सरल जो ट्रिक है उसको हम 100 से कम और 100 से अधिक संख्या पर एक साथ कैसे लगाएं। तो आज के वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो बहुत ही आसानी से आपको समझ आएगा कि हम इस प्रकार के गुना कैसे करेंगे। चलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। हो सकता है कुछ लोग हमारे चैनल में बिल्कुल नए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आल को टच भी कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपको मैं कुछ चीजें बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो हमारे चैनल में गणित को बहुत ही सरल तरीके से और जादुई तरीके से पढ़ाया जाता है, जिसे आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ तो आएगा कि यहां पर हम गुना सिखाएंगे, लेकिन आप गणित को बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से सीखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल में गणित का जादुई प्लेलिस्ट मिलेगा। जी हाँ, मैथ्स मैजिक गणित का जादू, तो उस प्लेलिस्ट को आप पूरा देखेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा कि वास्तव में गणित जो है खेल खेल में सीखने का विषय होता है, गणित एक जादू जैसा लगता है। तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं कि अगर हमें कुछ संख्या का गुना करना है, जैसे यहां पर देखिए, अगर दोनों ही संख्या 100 से कम है, देखिए यहां पर 91 है 95 है, तो अगर दोनों संख्या 100 से कम है तो आपको क्या करना है, ये कितना कम है वो देख लेना है। ये कितना कम है जी, 9 कम है। ये कितना कम है, 5 कम है। अब इसी के आधार पर हमें क्या करना है, इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे, आपको क्या करना है, ये जो 91 है उसमें 5 को माइनस कर दीजिए या फिर 95 में 9 को माइनस कर दीजिए। मतलब आपको क्या करना है, तिरछा देखना है। वैदिक में तो बहुत आसान होता है। अब आपको क्या करना है, या तो आपको 91 में 5 माइनस करें या फिर 95 में 9 माइनस करें। दोनों ही परिस्थिति में उत्तर एक ही आता है और दोनों ही परिस्थितियों में हमारा उत्तर यहां पर कितना आ रहा है, 86 आ रहा है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको समझा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो दो संख्या आपको दिखाई दे रहा है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, इन दोनों को आप आपस में गुना कर दीजिए, क्योंकि दोनों ही माइनस है। तो 9 पंचे 45 लिखिए, और चूंकि ये दो अंकों की संख्या आ रहा है तो आपको दो अंकों की संख्या तो लिखना ही है। अगर ये कहीं एक अंकों की संख्या आ जाए, इन दोनों को गुना करने पर एक अंक आ जाए, तो आपको यहां पर दो अंक बनाने के लिए सामने में जीरो लगा देना है और ये आपका उत्तर हो गया। ये का जब दोनों ही संख्या जो है 100 से कम है। लेकिन भाई हमारे पास तो कुछ ऐसी संख्या आ सकता है जो दोनों ही 100 से अधिक हो, तब क्या करेंगे, या फिर एक संख्या 100 से अधिक और एक संख्या जो है 100 से कम हो, तब हम क्या करेंगे। इसके और भी बहुत सारे ट्रिक आप बना सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको इसको 94 को गुना करना हो 98 से, तब भी इस ट्रिक का प्रयोग आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये कितना कम है जी, ये कितना कम है, 6 कम है। याद रखिएगा 100 से कितना कम है, यहां पर हम आधार कितना ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं। याद रखिएगा आधार के आधार पर ही हम इस गणित को बना रहे हैं। ये कितना कम है, 2 कम है। 100 से कितना कम है, इसी के आधार पर बनाना है। फिर 94 में आपको 2 घटाना है या फिर 98 में आप 6 घटाएंगे, दोनों ही परिस्थितियों में उत्तर कितना आएगा, सेम आएगा, मतलब यहां पर आएगा 92। ठीक है, अब यहां पर आपको एक्चुअल में वास्तव में यहां पर जितना आधार लेते हैं ना उतना जीरो यहां पर लगाना होता है। यहां पर हम मान ले जाए बेसिक रूप से समझे तो यहां पर हम 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो संख्या दिख रहा है ना उसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। कितना आएगा, 6 × 12, और ये 2 अंकों की संख्या है तो आप डायरेक्ट लिखते हैं या फिर वास्तविक कहा जाए तो इसको हम इस प्रकार लिख करके जोड़ते हैं। लेकिन चूंकि जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप इस प्रकार लिख देंगे तो भी आपका उत्तर हो जाता है। वास्तव में बेसिक रूप से यहां पर ऐसी होता है। ठीक है, ये भी हो गया। अब मान ले जाए हमें दोनों संख्या ऐसा दे दिया जाए जो दोनों ही संख्या 100 से अधिक हो। उदाहरण के लिए मान ले जाए एक संख्या 104 है और एक संख्या जो है 106 है, इस प्रकार भी हो सकता है। अब ये कितना अधिक है ये देखना है, तो भाई यहां पर ये कितना अधिक है, ये 4 अधिक है, ये कितना अधिक है, 6 अधिक है, दोनों ही संख्या अधिक है। अब हमें करना क्या है,
इनको आपस में जोड़ना है, तिरछा जोड़ना रहता है, और ऐसा करने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, दोनों ही परिस्थितियों में उत्तर एक ही आता है। जैसे 104 में यदि हम 6 जोड़ेंगे तो भी 110 आएगा, और 106 में 4 जोड़ेंगे तो भी 110 ही आएगा। अब 6 और 4 को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 6 चौक कितना आएगा, 24 आएगा। और ये मैं आपको पहले से बता रखा हूं कि अगर दो अंकों की संख्या आ रहा है तो यहां पर डायरेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका मतलब होता है, यहां पर हम 2 जीरो लिखते हैं उसके बाद इसको जोड़ते हैं, तो आप डायरेक्ट इस प्रकार लिखेंगे ना, तब भी आपका उत्तर क्या हो गया है, आ गया है, और बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। इसी प्रकार इसको और भी बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए आप लागू कर सकते हैं, लेकिन आगे मैं बताने वाला हूं कि एक संख्या छोटा हो जाए और एक संख्या बड़ा हो जाए तब क्या करेंगे। उससे पहले यहां पर देखिए मैं बड़ी संख्या ले रहा हूं, एक संख्या 112 है और एक संख्या 120 है, इसमें हम क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए भाई यहां पर कितना अधिक है उससे आपको मतलब है, ये जो है 100 से कितना अधिक है याद रखिएगा, यहां पर हम आधार कितना ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं, 100 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, और ये जो है 100 से कितना अधिक है, 20 अधिक है, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, या तो 112 में 20 जोड़ेंगे या फिर 120 में 12 जोड़ेंगे, मतलब तो एक ही हो रहा है, यहां पर कितना आ जाएगा, निश्चित रूप से यहां पर आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा, ठीक है, 132 तो यहां पर आ गया। अब आप क्या करिएगा, यहां पर देखिए इन दोनों को आपको क्या कर देना है, आपस में गुना कर देना है, ठीक है। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहां पर अगर हम 12 को गुना करेंगे 20 से तो 12 दूनी 24 मतलब 240 आएगा, और हमने कहा है कि यहां पर आपको दो अंकों की संख्या लिखना होता है, अर्थात यहां पर देखिए 3 अंकों की है तो ये 2 जो है हासिल चला जाएगा, या फिर ये कहा जाए इसमें हम 2 जीरो लगाएंगे, क्योंकि जितने आधार में 0 होते हैं उतने 0 लगाएंगे, और ये जो संख्या इसको हम जोड़ देंगे इस प्रकार ऐसा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा उत्तर आ गया है, चाहे तो आप कैलकुलेटर में एक बार गुना करके देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल परफेक्ट ऐसा ही उत्तर मिलेगा। इसी प्रकार आप और भी बहुत बड़ी बड़ी संख्या ले सकते हैं। तो चलिए अगर आपको ये कहा जाए एक संख्या छोटा है, उदाहरण के लिए हम यहां पर क्या लेते हैं, मान ले जाए एक संख्या हम 93 लेते हैं और एक संख्या हम ले लेते हैं 107, तो यहां पर क्या करेंगे, या फिर इसी प्रकार के अभी हम और संख्या लेने वाले हैं, तो देखिए इसमें छोटा है और ये बड़ा है, दोनों ही परिस्थिति में आप आधार क्या ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा जब भी आप आधार लेते हैं तो इस आधार के आधार पर आपको क्या करना है, ये 100 से कितना कम है, -7, ये 7 कम है क्योंकि 93 है, और ये 107 है मतलब ये 7 अधिक है। देखिए दोनों क्या है, एक माइनस है और एक प्लस है, एक कम है और एक ज्यादा है। और मैं इसी ट्रिक को बता रहा हूं कि यदि दोनों संख्या जो है 100 से कम हो जाए और 100 से अधिक हो जाए तब क्या करेंगे, तो भाई आपको कुछ भी नहीं करना है, तरीका तो वही है। आप क्या करिएगा, यहां पर जो 93 है उसमें आपको इसमें प्लस करना होगा 7 को, या फिर 107 में आपको माइनस करना पड़ेगा 7 को, क्योंकि तिरछा हल करना होता है, इनको इनके साथ हल करेंगे, इनको इनके साथ हल करेंगे, एक प्लस है और एक माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको इनके साथ जोड़ेंगे तो भी 100 आएगा, इनको इनके साथ माइनस करेंगे तो भी 100 आएगा, मतलब पहला काम आपका हो रहा है 100, चूंकि आधार में 100 है इसलिए 2 जीरो लिखने का तरीका मैं पहले से बता रखा हूं, है ना, आपको 2 जीरो लिखना रहता है। अब अगर ये दोनों ही माइनस होता या दोनों ही प्लस होता तो दोनों को गुना कर देते 7 × 14 और यहां पर लिख देते, क्योंकि 2 अंक आ रहा है। लेकिन अगर एक प्लस है और एक माइनस है, और हम जानते हैं एक प्लस और एक माइनस है तो माइनस ही होगा, लेकिन माइनस माइनस का प्लस होता है, प्लस प्लस का प्लस होता है, यहां पर गुना करेंगे 7 × 49, लेकिन हमको पता है कि एक प्लस और एक माइनस है तो ये माइनस ही होगा, मतलब आपको क्या करना है, अगर एक प्लस और एक माइनस दे दे तो आपको क्या करना है, इनको तिरछा हल कर लेना है, दोनों ही परिस्थितियों में उत्तर समान आता है, यहां पर 100 आया है आपके उत्तर समान आएंगे, जरूरी कि 100 आए, तो इन दोनों को हल करेंगे, जो भी उत्तर आएगा उसको यहां लिखना, फिर 2 जीरो बढ़ा देना, 2 जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि हमने आधार 100 लिया है, 100 में 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब यहां पर जो संख्या आता है 7 × 49 माइनस आ रहा है तो आपको ये 49 को माइनस कर देना है, और 49 को माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, इसको पूरा हल करेंगे तो यहां पर निश्चित रूप से अगर हम ये माने कि 100 में है ना, 100 में इतने को हम 100 मानते हैं, 100 में 49 माइनस करेंगे 51 होगा। अब यहां पर क्या बच गया है, 99 बच गया है, ये देखिए, और ये आपका उत्तर हो गया है। ऐसे ही भी आप और भी बड़ी बड़ी संख्याओं का कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको यदि इस प्रकार प्रश्न दिया जाए जिसमें एक संख्या बड़ा है और एक संख्या छोटा है 100 से, तो आप इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। मान लीजिए 96 और 114 दे दिया जाए, इसमें एक संख्या क्या है, ये बड़ा है छोटा है, क्या है ये, छोटा है, कितना छोटा है भाई, 100 से कितना कम है, आधार कितना ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं, कितना कम है, 4 कम है, ये कितना अधिक है, याद रखिए ये जो है +14 है ना,
यहां पर क्या करेंगे, ये जो है प्लस 14 अधिक है, अब दोनों को आपस में हल करेंगे। अब आप चाहे तो 96 में 14 जोड़िए या फिर 114 में 4 घटाइए, दोनों ही परिस्थितियों में तो उत्तर 110 आएगा। फिर आपको क्या करना है, यहां पर 2 जीरो बढ़ा देना है, हम 2 जीरो बढ़ा दिए। अब एक प्लस और एक माइनस है, 14 गुनी 4 करेंगे, 14 चौक कितना आ जाएगा, 56 होगा, लेकिन हमको पता है कि 14 चौक 56 हो रहा है, एक प्लस माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहां पर इस प्रकार लिख लेना है। अब इसको आपको सिंपल सा माइनस करेंगे तो यहां पर तो 44 आ जाएगा, ये 110 है तो यहां पर क्या लिख देंगे, 109 लिख देंगे। और दोस्तों ये हमारा उत्तर आ गया है। तो निश्चित रूप से आज के वीडियो में आप बहुत आसानी से ये सीख गए होंगे कि दो संख्याएं अगर एक प्लस और एक माइनस हो रहा हो, मतलब दोनों 100 के नजदीक तो है, एक 100 से अधिक है और एक 100 से कम है, तो किस प्रकार गुणा करेंगे। निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत उपयोगी है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।